टी20 ब्लास्ट में नसीम शाह ने अपनी गेंदबाजी से बरपाया कहर। नसीम शाह की रफ्तार के आगे सभी अंग्रेजों ने टेके घुटने। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इंग्लैंड में खेली जा रही टी20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में फैंस को कई स्टार खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं और ये लीग भी फैंस का भरपूर मनोरंजन कर रही है। 31 मई को इस टूर्नामेंट में सरे और ग्लस्टरशायर के बीच मुकाबला हुआ। इस लो स्कोरिंग मैच को सरे की टीम ने 37 रनों से जीत लिया। इस मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह भी खेलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपनी तूफानी गेंदबाजी से फैंस का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मैच में नसीम शाह ने सिर्फ 3 ही ओवर डाले, लेकिन इस दौरान वो काफी प्रभावशाली दिखे और इन 3 ओवरों में 23 रन देकर विल जैक्स का बड़ा विकेट लिया। विल जैक्स ने सरे के लिए सिर्फ 33 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाएंगे, लेकिन नसीम शाह की रफ्तार के आगे उन्होंने भी घुटने टेक दिए। ये घटना 12वें ओवर की 5वीं गेंद की है, जब नसीम ने एक तेज रफ्तार की यॉर्कर डाली और जैक्स इस गेंद पर चारों खाने चित नजर आए। जब तक उनका बल्ला आता तब तक गेंद स्टंप से टकराती हुई चली गई। नसीम की इस गेंद को देखकर कमेंटेटर भी गदगद हो उठे। इस शानदार गेंद का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। इस मैच में सरे की तरफ से किरण पोलार्ड और सुनील नारायण जैसे टी20 सुपरस्टार भी खेल रहे थे, लेकिन बल्ले से ये दोनों ही खिलाड़ी फ्लॉप रहे। 15-15 ओवर के इस मैच में सरे ने पहले बैटिंग करते हुए 129 रन बनाए, लेकिन ग्लस्टरशायर की टीम सिर्फ 92 रनों पर ही ढेर हो गई और सरे की टीम ने ये मैच आसानी से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।